अब हमें सुना कि मीडिया के लोग यहाँ आए तो हमारी बात जो उचित होगी उसको लिखेंगे, वो हम गलत बोल रहे हैं तो लिखेंगे, गलत बोल रहे हैं तो हम पूछेंगे क्या करें, और सच्चाई बोलेंगे तो ठीक है। तो मीडिया की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? मीडिया की उपेक्षा हमारी पार्टी के लोग बहुत करते हैं। अगर यहाँ आएगा मीडिया तो कहते मीडिया आ गया, मीडिया आ गया तो अच्छा हमारा प्रचार होगा, तुम कहाँ कहाँ कहने जाओगे। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव के दिन बहुत नहीं है, अब ऐसी तैयारी है और अभी तक हमें कुछ लोगों ने तो नाम दिए, ठीक है, राव पाल को भी नाम दे रहे, सतपाल को भी दे रहे और अखिलेश को भी दे रहे हैं। अब सतपाल ने तो अलग पार्टी बना ली, सतपाल ने तो अलग पार्टी बना ली, तो हमें दीजिए, रामपाल को दे दीजिए, हमें इसको चाहते तो हम दोनों मिलकर तय कर लीजिए जीतेगा। तो आप लोग दे ही नहीं रहे काम लड़ना चाहते हैं, जो लोगों ने हमें दिया बताओ कम चुनाव लड़ेंगे, बताइए कितने लोगों ने हमें दिया, जब एक ने भी नहीं दिया है तो टिकट भी ऐसे मिल जाएगा, भले ही टिकट दें अखिलेश, लेकिन अखिलेश ने कहा कि चिन्ह हमारे हाथ में, तो मैंने क्या हटाना हमारे हाथ में नहीं, आपने चिन्ह तो हमारे हाथ में है तो हमें हटाना मेरे हाथ में, तो फिर वो चले गए उनके सामने, तो वहाँ आगे आ गया तो इसलिए आज हम आपसे ये अपील करने आए हैं कि सब छोड़ो, जो कुछ भी हो, शादी विवाह में जाओ तो 50 करोड़पति का अच्छा मौका होता है, वहाँ सब तरह के सब पार्टियों के समर्थक आते हैं शादियों में, तो शादियों में जाकर कीजिए, हम शादियों में जाते तो करते थे प्रचार, तो बोले साधु में आएगा पिता करने आए, अभी हम साधु कहते हैं क्या, अपनी पार्टी का काम नहीं बताएंगे, बताइए कोई सन्यासी है तो चुप रह जाते, तो इसलिए पार्टी का काम और पार्टी कैसे जीते, अगर आप भी जानना चाहते हैं आप जा कैसे जीते तो कुछ हमें लिख के दे दो, जल्दी